इसके आप भी खेलना चाहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अपने पीसी या लैपटॉप पे, पर आप थक चुके हैं डाउनलोड मार मार के, फिर जो कि आपका गेम चल नहीं पा रहा है, तो दोस्तों आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य उपाध्याय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आपके पीसी या लैपटॉप के लिए। बट दोस्तों यहाँ मैं कुछ आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देना चाहता हूँ कि आपके पीसी पे कितना सिस्टम रिक्वायर होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। दोस्तों रैम यहाँ पर मिनिमम 2GB होना चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड्स मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। डाउनलोड करना है, कहां से क्या डाउनलोड करना है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया दोस्तों, आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अपने पीसी पे नहीं खेल पाओगे। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रहे हो, जाओ सब्सक्राइब करो, जस्ट बाजू बेल आइकन उसे प्रेस कर दो, क्योंकि मैं जैसी कोई भी हाईली कॉम्प्लेक्स गेम पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अपने पीसी में चलते हैं। गाइस मैं फिर बता दूं कि आपको ये सभी नेसेसरी फाइल्स आपके पास होना चाहिए सीओडी मोबाइल को अपने पीसी में खेलने के लिए। सबसे पहला मीमू इम्यूलेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो हमारा सेकंड थिंग है वो है फाइल एक्सप्लोरर, एंड हमारा जो उसके बाद जो थर्ड थिंग आता है आपको पार्ट्स डाउनलोड करने हैं सीओडी के। तो दोस्तों मैं फिर बता दूं कि पर पार्ट साइज 300 MB है, तो कुछ चार पार्ट डाउनलोड मारने 300 MB के। एंड दोस्तों जो लास्ट का पार्ट है, जो पांचवा पार्ट है, उसका साइज कुछ 190 MB है। पार्ट डाउनलोड कंपलसरी, तभी जाके आपका गेम चल पाएगा। तो सबसे पहले हम मीमू इम्यूलेटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड वेल के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एम्यूलेटर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अपन को लॉन्च में क्लिक करना है। एंड वेल के जैसे आपको सिंपली यहाँ पर अपना ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाना, तो सिंपली मैं यहाँ से लॉगिन हो जा रहा हूँ। एंड वेल गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इम्यूलेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी अपने को सेटिंग्स में जाना है इम्यूलेटर का। जब आप गेम इंस्टॉल कर ले उससे पहले आपको ये सेटिंग करना कंपलसरी, तभी जगह आप इस गेम को खेल पाएंगे। तो सिंपली आप जैसे कि देख सकते हैं आपके राइट साइड में आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको कीज मिलेंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स वाली की में आना है। एंड गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं ग्राफिक्स में ओपल जीएल लिखेगा आपका यहाँ पर। अगर डायरेक्ट एक्स है तो सिंपली आपको यहाँ ओपल जीएल कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर ये सबसे मेन सेटिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर अपन इसे सबसे हाई रेजोल्यूशन में कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अपन सेव कर देते हैं, बस आपको इतना ही सेटिंग्स करना है, यहाँ काम खत्म होता है। अब हम सिंपली अपना जो भी हमारा गेम्स का पार्ट है सिंपली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गेम वाला फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सिंपली आपको एक फोल्डर में जाएगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल करके, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। आपको सिंपली इस एंड्रॉइड को एंड इस एपीके को आपको इन दोनों को कॉपी करना है। एंड अपने लिए आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पर जाना है, पर आपको मिलेगा मीमू डाउनलोड, ठीक है। तो सिंपली आपको ओपन करें एंड यहाँ पर सिंपली इसे पेस्ट कर दें। एंड दोस्तों वैसे ही अपने को फिर से उसी फाइल में आना है, गेम वाले फाइल पे। एंड यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को भी अपन को पेस्ट करना, वहाँ पर कॉपी करते हैं एंड डाउनलोड वाले फोल्डर पे आते हैं एंड यहाँ मीमू डाउनलोड में इसे पेस्ट कर देते हैं, ओके। हमारा फाइल्स वाला काम कंप्लीट होता है, सिंपली अपन को यहाँ से कट करना है एंड सिंपली अपने को इम्यूलेटर को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर फाइल मैनेजर पे जाना है, ओके करते हैं। इंटरनल स्टोरेज में आना आपको। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं डाउनलोड करके लिखा है, सिंपली से डाउनलोड को ओपन कर लें। एंड आपको सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करना है। आप ऐसा गूगल प्ले स्टोर में लॉग इन होके कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो वेल गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फाइल एक्सप्लोरर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अपन डन में क्लिक करते हैं एंड इस वाले फाइल को कट कर देते हैं एंड सिंपली आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। एंड आपको दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर आना है एंड नीचे करना है, स्लो डाउन करना है एंड यहाँ पर रूट एक्सप्लोरर को ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड इंटरनल स्टोरेज में आते हैं एंड सिंपली आपको डाउनलोड में एंड यहाँ को सभी फाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का हमको एपीके इंस्टॉल कर लेना है। सो वेल गाइस यहाँ हमारे गेम का एपीके सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अभी आपको एपीके ओपन नहीं करना है, सिंपली अपन डन में क्लिक करते हैं
एंड इसके साथ हमने एक एंड्रॉयड वाला फोल्डर भी पेस्ट किया था, तो सिंपली हमें इसे ओपन करना है एंड इस वाले OBB को पूरा कॉपी करो एंड आपको फिर से यहाँ इंटरनल स्टोरेज पर जाना है एंड एंड्रॉयड पर जाना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। सो वेल गाइस, यहाँ हमारा सक्सेसफुली कॉपी कंप्लीट होता है, यहाँ हमारा सब सेटअप कंप्लीट होता है। सिंपली अपने को फाइल मैनेजर कट करना है, यहाँ इमुलेटर के होम स्क्रीन में आपको एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल करके यहाँ पर आपको आइकन मिलेगा। मैं फिर बता दूँ कि आपको सेटिंग्स में आना है, ये सेटिंग एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों। ग्राफिक्स में ओपन GL ही आपको करना है, अगर डायरेक्ट एक्स बाई डिफॉल्ट सेव है तो प्लीज़ आप ओपन GL कर ले, ठीक है। एंड मेरे पहले से सिंपली अपन गेम को ओपन करते हैं। अच्छा, खास बात ये लगता है कि आपको की मैपिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपका की मैपिंग पहले से है। अपन यहाँ कंफर्म करते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं एंड दोस्तों यहाँ आप फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं या एज अ गेस्ट भी लॉगिन हो सकते हैं, तो मैं हाईली प्रेफर करूंगा कि आप एज अ गेस्ट यहाँ लॉगिन हो। एंड दोस्तों मैं फिर बता दूं कि अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं, से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं एंड exe से आप इसे हाफ स्क्रीन में कर सकते हैं, तो यहाँ मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गेम चालू हो चुका है बिना हैंग बिना लैग के। दोस्तों इसी तरह वो अपने PC या लैपटॉप पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल सकते हैं, वो भी बिना परेशानी के। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जो इस गेम को खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।